अस्सलाम वालेकुम। और ये बहुत ही मुश्किल है दिन का आखिरी सेशन करना, उतना ही जितना मेरे कुलीग हैं जो सी ए के सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। सी ए को पास करना भी उतना ही मुश्किल है जितना ये आखिरी सेशन लेना और आप लोगों को इंतजार कराना है। सो मूविंग ऑन, वी हैव टू पैनलिस्ट हियर। वन इज मिस्टर सजीत एंड ही इज हेड ऑफ बीसीसीआई पाकिस्तान। सो काइंडली अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एटलीस्ट पेशेंस दैट ही इज वेटिंग फॉर लास्ट टू एंड हाफ आवर। And then another panelist is Mr. Muhammad Asim. He is the president at CFA Pakistan. Kindly welcome Mr. Muhammad Asim. Assalamu alaikum Asim and Sajid. Apologies from our side that we are a bit late. But of course it's a community-based event, so there are certain traditions which we have to follow. Sorry for your inconvenience. So, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने CFA का नाम सुना हुआ है? Great. So, हमारे यहाँ CFA पाकिस्तान में और SCCA दोनों के curriculum के अंदर जो मैंने recently note किया है, artificial intelligence, blockchain, machine learning, इन सब के ऊपर करिकुलम में डाल दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक राउंड ऑफ अप्लॉज चीज के लिए कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर करिकुलम के अंदर बहुत ही कम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में एडिशन हुई है, जो कि CFA और SCCA दोनों के अंदर मौजूद है। मूविंग फॉरवर्ड आसिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट हाउ वुड यू सी कंसिडरिंग पाकिस्तान के अंदर मशीन लर्निंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या बिग डेटा है उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज बेस्ट जैसी नहीं है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है और हमारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त इतनी मच्योर नहीं हुई है, तो ये जो करिकुलम में सब्जेक्ट मौजूद है उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होने चाहिए कि वो हम उसको इनकैश कर सकें। थैंक यू हुमैर, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने यहाँ इन्वाइट किया और बिहाफ ऑफ सी थैंकफुल। विद रिगार्ड्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि CFA इंस्टीट्यूट इज द ग्लोबल बॉडी विच सेस एंड मैनेजेस द CFA प्रोग्राम और CFA सोसाइटी पाकिस्तान इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द CFA चार्टर होल्डर्स हु आर प्रैक्टिशनर्स। आई एम माई सेल्फ द प्रेजिडेंट ऑफ CFA सोसाइटी एंड माई सेल्फ अ प्रैक्टिशनर। So with regards to your question about changes, so I would like to say that first of all, CFA program and the curriculum updates provide us a great opportunity to be at par in terms of knowledge, in terms of developments that are happening in the world. While Pakistan may be far in terms of adopting the standards, adopting the kind of market development that we have seen in the West, however, I must say that the quality of professionalism in Pakistan, that's why you can have confidence, because our professionals are studying at par and they have understanding of the markets and the understanding of the developments happening in the world. Achha, with regards to state of industry in Pakistan, Pakistan mein, as you would know, investment industry is very small. तो जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा जनरल ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए भी कि पाकिस्तान में जो हमारे पास स्टॉक मार्केट में या जनरल जो इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है कोई 3-3.5 लाख इन्वेस्टर्स की, जबकि यू ऑल नो कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन इज मोर देन 200 मिलियन के करीब। सो लेस देन 1% के करीब जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट उसी सूरत में मार्केट से भी नजर आता है। हाउएवर स्टिल विद रिगार्ड्स टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आपने मशीन लर्निंग के हवाले से कहा, अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में लिमिटेड है बट आई थिंक दे आर डेवलपिंग। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक टर्म बड़ी यूज होती है, रोबो एडवाइजर्स। तो रोबो एडवाइजर्स इज सॉर्ट ऑफ के आप इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न अपॉर्चुनिटीज को देख के एक मशीन बेस्ड सोल्यूशन देते हैं कि वॉट शुड बी योर एसेट एलोकेशन। दैट एट सम स्टेज नॉट इन द ट्रू सेंस बट थोड़ा बहुत यूज हो रहा है रिस्क मैनेजमेंट की साइड पे पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में भी। सो आई गेस जितना विद रिगार्ड्स आपका ये जो सवाल है, ये जो गैप है प्रॉब्ली
कि हमारा करिकुलम इज मोर एडवांस और इंडस्ट्री शायद इस स्टेज पे नहीं है. आई थिंक दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान, दिस इज गुड फॉर मार्केट्स विच आर अप्रिशिएटिंग, बिकॉज उसकी बेसिस पे हम जितना फास्ट डेवलप कर सकते हैं वो और अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए मिल सकते हैं. And I must compliment this that Pakistan can investment opportunities ek to restricted hai towards stock market or debt equity. Hamare yahan wo products available nahi hai. Even real estate sector bhi for the last 2 to 3 years hamare yahan shayad 2 se 3 REIT companies hai, iske alawa koi companies hi nahi hai. So it will grow as time moves on. Hamare yahan dono cheezon mein lafa hai. ठीक है, मैं सिर्फ इस पर मैं ऐड करना चाहूँगा. आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं. आई थिंक जब तक हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं होगी, बिकॉज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन सेल्फ. ये जो इन्फ्लेशन जिसके बारे में हम बात करते हैं कि महंगाई की वजह से जो है हमारे खर्चे बढ़ गए हैं और आमदनी नहीं बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स हेल्प यू देयर. हम बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, प्रॉब्ली शायद सिर्फ बैंक डिपॉजिट्स के बारे में हमें पता है, बट बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं. एंड दैट बहुत सारे हम से बहुत सारे लोग कुछ फैमिली के सरबरा हैं, कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं. ये भी एक वो एरिया है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है टू नो कि आप किस तरीके से अपने पैसे को सेव करके ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं सजीव. फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ग्लोबलाइजेशन 4 इज बी इंट्रोड्यूस्ड, और उस परस्पेक्टिव में देखें तो द मोस्ट अनयूज मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता चलें, मोस्ट रिटोरिक या ये कहा जाए कि प्रोन टू एरर्स या बहुत ही बोर जो रोल होगा वो अकाउंटेंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स का होगा, क्योंकि रोबोटिक्स और जो डेटा एनालिसिस है उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की जो वर्क स्टाइल है या जो काम वो कर रहे थे वो कम से कम हो जाएगा, तो उनका जो फ्यूचर है द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स विल रिड्यूस. डू यू एग्री विद दैट? No, I don't. In fact, if specifically if we are talking about the globalization, we are talking about the exponential economy right now. We are talking about the transaction where we are going with the shared economy. Uber, Kareem, Airbnb, all are the example of the shared economy where you really mobilize the resources which would never be mobilized, and ideal resources are being deployed for the economic activity. So, जब आप इस तरह की शेयर्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप नैनो ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, आप मैक्रो माइक्रो और नाउ नैनो ट्रांजेक्शन विच इज बिकमिंग अ नॉर्म. और इस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट में जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए वो बहुत डिफरेंट है. वो शायद अगर आप ट्रेडिशनल अकाउंटेंट को बात करेंगे कैलकुलेटर से पहले का, तो उसको एक स्किल चाहिए होता था कि वो नंबर बड़ी तेजी से ऐड कर सके, मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था. जब कैलकुलेटर आ गया तो उस वक्त सोचा जाता था कि फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए, कागज पे वो लिख सही तरीके से सके, कैलकुलेटर कैलकुलेट तो कर लेगा. एक्सेल आ गया, देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि यार ये एक्सेल आ गया तो अब कैलकुलेटर भी नहीं चाहिए, फॉर्मेटिंग भी नहीं चाहिए, ये तो यहां से हो जाती, अब क्या होगा. ईआरपी आ गया, ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, वॉल्यूम है, रिकॉर्डिंग चेंज हो गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकचेन. अगर आप इस पूरे इरा की बात करें तो आईफैक के अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड अकाउंटेंट है वो 5 लाख से 2 मिलियन पे हो गए और अभी वो 4 मिलियन पे जा रहे हैं अगले 5-7 साल में. तो अगर आप ये कहें कि ये इस प्रोफेशन की एप्लीकेशन जो है वो चेंज हो गई है, यस. अगर आप कहें कि इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी तो मेरा ख्याल है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गई है. और उसके अंडरलाइन एफएटीएफ के रेगुलेशंस की आप बात कर लें, अब जस्ट गिविंग यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑन अ नैनो ट्रांजेक्शन, आज अगर आप $1,000 पाकिस्तान से बाहर भेजने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और ऐसे ऐसे कंप्लायंसेस मांगेंगे कि अगर आप कंप्लायंट नहीं है तो आप वो $1,000 पाकिस्तान से बाहर नहीं भेज सकते. सो दैट मीन के अब आपको अपने फाइनेंशियल्स जो हैं वो पहले से बेहतर तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे, और दैट मीन अब आपको उन अकाउंटेंट्स की और प्रोफेशनल्स की ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पे ये रेगुलेशंस अभी रिसेंटली अप्लाई हुए हैं और साथ टेक्नोलॉजी भी आ रही है. सो अकाउंटेंट के दो रोल बड़ी तेजी से इवॉल्व होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशन एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी साइड. जस्ट कमिंग बैक टू द ग्लोबलाइजेशन, एंड दैट्स वेयर आई लव अबाउट दिस प्रोफेशन. ग्लोबलाइजेशन में सडनली बिकॉज अकाउंटेंट्स एक सर्टन स्टैंडर्ड और लॉ और रेगुलेशन पे काम कर रहे होते हैं, दे सडनली बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्कफोर्स. मेरे लिए अब ये चूज करना बहुत आसान है एज अ अकाउंटेंट कि मैं कोई नौकरी ना करूं,
मैं अपवर्क पे बैठ जाऊं, आई कैन अर्न मोर बिकॉज आई कैन गिव सर्विसेज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट टू यूरोप, टू यूएस, टू पाकिस्तान, अफ्रीका, जो पहले मेरी एक्सेस में नहीं था. तो ये जो मोबिलिटी जनरेट हुई है विद द टेक्नोलॉजी और जो प्रोडक्टिविटी गेन्स आ रहे हैं इसके साथ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबॉडी हु हैज गॉट अ राइट एथिक्स, हु कैन वर्क हार्ड, हु इज क्रिएटिव एनफ एंड हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. इट विल कम डाउन टू एटीट्यूड. तो आपका जो टेक्निकल और एथिकल कॉम्पिटेंसीज हैं उसके साथ जो बाकी कॉम्पिटेंसीज लिंक हैं, यू पिक इट अप एंड यू आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्कफोर्स. और आगे हम जो अकाउंटेंट्स और इवन जितने भी स्टैंडर्डाइज किस्म के जिनको हम कहते हैं लाइसेंस प्रोफेशन हैं, वी विल सी दैट ग्लोबल स्कोप रादर देन द रीजनल और कंट्री लेवल स्कोप गोइंग फॉरवर्ड. राइट, थैंक यू सरजीत. बट वन ऑफ द थिंग इज दैट ऑफकोर्स वी आर मूविंग वेरी फास्ट इन दीज डायरेक्शन रिगार्डिंग द ग्लोबलाइजेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. But there are skill gaps that students who are studying chartered accountancy either from any institutions do not have that much of grip over the finance tools such as even Excel or macros or such other things. So do you feel that there are specific courses or add-ons which institutions which are training or the students who must take on the way with this profession so that they can excel in more practical in practical life? I think in today's world hand holding is over. You can't do the hand holding anymore. And if our youth is still trying to live in the society jahan pe parents ne unko ek parachute parenting di thi aur pehle ek teacher ne hand holding ki thi aur uske baad they expect ki unka boss ek hand holding karega ya unka supervisor karega. प्रोफेशनल एजुकेशन में दीज आर ओवर. यूट्यूब इज द बेस्ट ट्यूटर. अभी जैसे पहले भी बात हुई थी कि आपने अंडा उबालना है या आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है. नाउ इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस. इफ आई गो बैक टू द वेरी फंडामेंटल ऑफ द वर्क फोर्स में, सो दे आर फोर डायनामिक्स टू इट. देयर इज अ डेमोग्राफिक. दुनिया में आबादी जो है वो एक बड़ी एज पॉपुलेशन है और बड़ी यंग पॉपुलेशन है. दैट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्क फोर्स एंड द अपॉर्चुनिटी. टेक्नोलॉजी इनेबल कर रही है. देन आपके प्रोडक्टिविटी गेन डिफाइन करते हैं कि लोग किस साइड पर जाकर उस ग्लोबल वर्कफोर्स से लेंगे. लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इवॉल्व हुई है वो है इंडिविजुअल चॉइसेस. नाउ आई कैन चूज टू वर्क और नॉट टू वर्क और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने भुगतते हैं. इफ आई एम ड्रिवन एंड माई एटीट्यूड इज राइट, द अपॉर्चुनिटी इज ग्लोबल. इफ आई एम नॉट ड्रिवन एंड माई एटीट्यूड आर नॉट राइट, तो मुझे सामने पड़ी हुई चीज पे जो है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है. सो नाउ इट्स कमिंग डाउन टू वेरी फंडामेंटल कि क्या हमारी एजुकेशन एक ऐसा ह्यूमन बींग प्रोड्यूस कर रही है. एंड आई इंक्लूड ACCA, CFA एंड एनी प्रोफेशनल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, ऐसा ह्यूमन बींग प्रोड्यूस कर रही है जिसका फंडामेंटल कैरेक्टर सोसाइटी को आगे लेके जाना है, या वो फंडामेंटल उस सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी बन गए. So that's what we care about in ACCA, जहां पे हम ethics की और morality को we keep it at the top compared to once it's come to the technical competencies. So we talk about the behaviors. वो हमारे courses में भी embedded है और उसकी assessments भी उसमें. So that's why the people who really go through that in a right way, you will find a different kind of human being which we are trying to produce for the society around the world. I believe this is a quite clear message from the Sajid that hand-holding for the youth is now over. So it means that you have to take the initiative, you have to be proactive in what you are doing so that you can excel exponentially. Otherwise you will be lag behind because the world is moving at very fast pace. Sajid, can you please explain the multi-donor project where you are in partner with the government of KPK for public-private partnerships and how this is going there and what steps need to be taken in other provinces so that the financial literacy overall in Pakistan need to be increased? I think there is a one significant project, and I think there is a global realization the biggest spender in any country or economy is the government itself. But with the size of the government and the inefficiency which exists because of the sheer size, sometimes that spending does not bring the right benefit to the citizen which are living in that region. And in KPK and Balochistan as well, we are working on a capacity building for the public sector of that. And our key focus is to bring to the capacity, create the capacity which can bring the transparency on a reporting.
We are not working that way, the mindset and everything has changed. We are just trying to create the right visibility and the timely visibility so the civil society can really question, and the civil servant itself, like the civil government, they can question how the things are moving and what should be the next step. आप आज भी देख लें तो कोई भी चीज रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट की साइड से उस पर इमीडिएटली पहली चीज जो आती है वो डाउट्स होते हैं. एनी सोसाइटी विच इज लिविंग विद द डाउट्स यू कैन नॉट रियली नर्चर द ऑप्टिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म इज द की फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्ट. सो अगर आप एक डाउट के साथ शुरू कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ के बजट उन्होंने दिया पूरा होगा कि नहीं होगा, जो बजट से रिपोर्टिंग होगी एक्चुअली प्रोग्रेस की वो रिलायबल होगी कि नहीं होगी, तो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट राइट नाउ टू क्रिएट दैट कैपेबिलिटी कि वो ट्रांसपेरेंसी और टाइमली रिपोर्टिंग एंड द रिलायबल वन जिसको डिफेंड किया जा सके और जिस पे लोग रिलाई कर सके. दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच गवर्नमेंट ब्रिंग टू देयर सिटीजन कि दिस इज व्हाट वी हैव कमिटेड एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिलीवर्ड. सो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑन द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी वेयर वी आर वर्किंग विद द वर्ल्ड बैंक एंड द मल्टी डोनर प्रोजेक्ट विद केपीके एंड विच इज राइट नाउ. थैंक्स अजीत फॉर एक्सप्लेनिंग. नाउ आसिम मेमन कम्युनिटी में बैठे हैं तो ऑफकोर्स देयर इज वन बिग वर्ड विच इज कॉल्ड सेट. So in that perspective, the private businesses all across the globe, we see it's booming. And especially in Pakistan, there was a culture of multinational, but it is now history. All the family businesses, name them Lucky, Dawood, Arif Habib, and others as well. They all excelling at very fast pace. So in that perspective, how much you believe that the investment industry in Pakistan is still requires such type of big sales? I think the investors to our market mein different tarah ke hote hain. The way it is structured, uska impact bilkul markets pe hota hai. Hamare yahan bhi ye trend hai, I think globally hai, ki now things are being done more institutional manner. So ab jo family offices ka concept hai, that is on the same lines. Pakistan mein jaisa aapne zikr kiya, that also explains ke Pakistan mein bhi realizing tax complications, realizing the investment market complications, realizing the family issues, family mein wealth transfer ke issues hain. These are all very complicated issues, and that's why now a more structured process is being followed by the family offices as well. और जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है या इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. सो कुछ एडवाइजरी मैंडेट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट फर्म्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद दीज फैमिली ऑफिसेस, एंड नाउ देर इज अ कॉन्सेप्ट, नाउ फैमिली ऑफिसेस आर ऑल्सो बिल्डिंग देयर प्रोफेशनल एनालिस्ट, प्रोफेशनल टीम्स. टैक्स एडवाइजर्स तो हमेशा से ही रहे. सो आई थिंक दिस इज हाउ द फैमिली ऑफिसेस आर ऑल्सो इवॉल्विंग, और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. राइट. Thank you, Asim. I want to ask if anybody in the audience has any question from Head of ACCA and President Chief of Society Pakistan. Right. Okay. Thank you, Sajid and Asim. Thank you very much, and thank you WMO for organizing this day-long grand event and having lineup of all the who's and who's of the industry. Thank you.